यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर की कार को चोरी किया था। गाइस, हमने प्राइम मिनिस्टर कार हाइस्ट की थी 10 लाख डॉलर्स के लिए। और गाइस, मिसेस आज अमांडा हम लाइक जाने टू वाले सी हैं हरसेल्फ इन वो एवरीथिंग। कार देने के लिए, डिलीवरी के लिए गाइस, वो कार की। तो हाँ गाइस, अभी हम घर पे हैं तो जल्दी से जाएंगे। उससे पहले गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने वो कार सीधी डायरेक्ट घर पे नहीं लाई। मैं वो कार लेके गया था लॉस सैंटोस कस्टम्स के अंदर। वहाँ पे मैंने उस वाइफ कार का ऑलवेज कलर चेंज से किया है। उस कार को नॉट क्लीन मैंने बताया इनफ। उनको कि कुछ मॉडिफिकेशंस करो, इसका नंबर प्लेट भी चेंज करो, क्योंकि उस कार के नंबर प्लेट पे लिखा था PM। गाइस, प्राइम मिनिस्टर की कार थी वो, तो वो लोगों ने नंबर प्लेट भी चेंज करवा दी है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उसी के साथ इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जैसे जैसे शेयर करो और सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको सारे वीडियो हम लोग जा रहे हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स। वहाँ पर जाएंगे और कार देखते हैं। उनका फोन जाया था तो आपके कार में जैसे जुड़ी हो चुकी है, तो आप आके आपके कार के लिए ले लो। So you're gonna drive into me? मैंने कहा था कि बाहर ही आपकी कार खड़ी है, तो आप वहाँ से जाकर उस कार ले लो। सो ओके गाइस, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स। और जैसे जाते हैं तो अपनी कार कार खरीदी तो है, कोई कार है हुई हमारी कार है। तो जल्दी से जाते हैं वहाँ पर, वहाँ पर जाकर वो कार को डिलीवरी देते हैं और जल्दी से जाते हैं वेटिंग वाले पॉइंट पर, जहाँ पे हमने उस बंदे को बुलाया है कार लेने के लिए 10 लाख डॉलर्स के लिए। हमने कार देने वाले थे उसको, तो उम्मीद है कि आपने पहले पिछले वीडियो देखा होगा। और ये आशा करते हैं कि वीडियो का आपको अच्छा लगेगा। अभी वीडियो पूरा आप जरूर देखोगे गाइस। ये वो कार और इसके नंबर पर गाइस लिखा है माफिया, क्योंकि गाइस ये कार जो है वो हम डिलीवर करने वाले हैं एक माफिया को। गाइस, उस बंदे को मैंने बुला लिया है लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जल्द से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके ये कार दे देते हैं उसे। गाइस, क्या ही कलर किया गाइस कार का। और गाइस, कार की साउंड तो क्या ही आ रही है गाइस, बहुत ही प्यारी साउंड आ रही है कार की। आप एक बार सुन क्या गाइस, क्या ही मॉडिफाई किया है कार को, समझ में नहीं आ रही गाइस। ये वही कार थी जिसके हम जो प्राइम मिनिस्टर कार थी हमने वहाँ से स्टील किया था। पोस्ट लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहाँ पर जाके इस कार की डिलीवरी करते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लूँगा। इसका सही दोनों के लिए मैं दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और साथ साथ मेरे चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आपको मेरे पिछले वीडियोज देखते हैं तो उन वीडियोज के सारे वीडियोज की प्ले लिस्ट में आपको आई बटन पर क्लिक दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप मेरे बाकी के वीडियोज भी देख सकते हो। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमें उस बंदे ने मिलने को बुलाया है उस हैंगर को। हैंगर के अंदर उसका गाइस खुद का पर्सनल हैंगर है, वहाँ पर जा सकते उसे एक कार डिलीवर करनी है। और लड़ गए यहाँ से कार अंदर ले भी जाते जाते और उसे मिल के आते। बस ये गेट भैया, ये गेट खोलने नहीं वाला, इसे गेट तोड़ना ही पड़ेगा हमें। तो गाइस, तो कार तोड़ वाला यहाँ पे जल्दी से अंदर जाते हैं, कार डिलीवर कर करते हैं और चलते हैं 10 लाख डॉलर्स। गाइस, जो सामने वाला जो हैंगर है हमें वहीं पे जाना है और वहाँ पे जाके उस बंदे को ये कार डिलीवर करनी है। तो जल्दी से चलते हैं और ये कार को करते हैं गाइस वहाँ पे डिलीवर, और उसके बाद अपना काम हो जाएगा गाइस। हमें मिलेंगे 10 लाख डॉलर्स। तो गाइस, आप लोग सोच रहे हो क्योंकि मैं तो यहाँ पे रात में आया था, अभी सुबह हो चुके। तो गाइस, मुझे आ गया था लेस्टर का अर्जेंट फ़ोन, तो मैंने लेस्टर से बात करने के लिए रुक गया था। और गाइस, ओ माई गॉड, ये बंदा अपनी कार में लेके आ गाइस, कितने सारे बंदे खड़े किए इसने अपने इर्द गिर्द, करने भी चाहिए गाइस क्योंकि माफिया है। तो ये ब्लैक वाली सिक्योरिटी इसकी पर्सनल है। ऑल राइट गाइस, तो मेरी इससे बात हो गई। ओह सॉरी 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 सॉरी। और इसने कहा कि मैंने आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख डॉलर्स वापस दे दिए।
ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप एक बार चेक कर लो। लेकिन गाइस क्या ही बंदा था गाइस, क्या ही सिक्योरिटी थी उसके पास। तो गाइस माइकल बेखा एक दिन ऐसी सिक्योरिटी ज़रूर रखेगा। तो गाइस ओके, हमारा यहाँ पे $10,00,000 हमारे आ चुके हैं, तो अभी जल्दी से यहाँ से चलते। गाइस मिनी गन दे रखी गई जिसने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, और गाइस अभी जल्दी समझाते हैं। और लेस्टर ने हमें काम बोला है, तो जल्दी से जाके वो काम हम लोग करते हैं। गाइस हमें बग स्टार्स वालों की वैन चोरी करनी है गाइस, और हाँ गाइस हमें बग स्टार वालों की वैन चोरी करनी है। तो जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ से उनकी वैन लेके चलते हैं। किसी को मालूम पड़े बिना हमें वहाँ से उनकी वैन लेके जानी है। और राइट गाइस, तो लोस्टर ने ये लोकेशन दी है मुझे, तो जल्दी से यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर जाते हैं एंड देन वहाँ से वो वैन लेके आते हैं। क्योंकि गाइस कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए हमें वो वैन लेनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, और आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। ऑल राइट गाइस, सो लिस्ट ने दी हुई लोकेशन पर मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। तो बस हमें आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है, और देन वापस से हमें आगे वाले कट से उसके बाद राइट लेना है। ओके गाइस, अभी हमें यहाँ से राइट लेने के बाद सीधा ही जाना है, और वहाँ पे उन लोगों से वो वैन लेनी है। लेनी मतलब गाइस वो लोग कुछ हमें फ्री में नहीं देने वाले, हमें उनसे वो वैन स्टील करनी गाइस, वो वैन वहाँ में उनसे चोरी करके लेके आनी है। क्योंकि गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं एक हाइस्ट पर, बहुत ही तगड़ी हाइस्ट होने वाली गाइस। तो यहाँ से बग स्टार्स वालों की वैन हमें यहाँ से लेके जानी है गाइस। तो एक बार प्यार से बात करके देखेंगे, अगर वो लोग नहीं माने तो गाइस उन्हें हम मार के बाहर से उनकी वैन चोरी करके लेके आएंगे। और डायर गाइस मैं अपनी कार यहाँ पे लगा देता हूँ और उतर के बात करता हूँ। बात करूँ या डायरेक्ट मार, उन्हें गोली से मारूँ, क्या करना चाहिए गाइस? मुझे लगता है कि सीधा नहीं उड़े डालते और वैन यहाँ से लेके निकल लेते। एक बार वैन अंदर है या नहीं देख लेते गाइस। ओके वैन तो अंदर है, ढेर सारे वैन अंदर है। तो एक काम करते नहीं, बात ही कर लेते गाइस। अगर बात में मान गया तो लेके जाएंगे और वापस से काम उनका लगा के रख देंगे। खाली बिल में क्यों उन्हें मारना है? तो ऑल राइट गाइस, तो ये हमें मना कर रहा है कि नहीं ले जा सकते तुम वैन यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल तो हम इधर से चले जाएंगे और घूमने के बाद अटैक करेंगे गाइस। इसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो अटैक करेंगे। ऑल राइट गाइस, मैंने यहाँ पर अपनी गन निकाल ली है और जल्दी से भाग के आते और उसे मारते गाइस। ओके सो भागो, चलो भागो 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 जल्दी यहाँ से। ओके गाइस, आपसे सब लोग निकल चुके हैं, जल्दी से वैन ले जाओ, निकलते यहाँ से। गाइस अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। उसी के साथ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैन वहाँ से निकाल लिए, बहुत ही चुपचाप से निकाली। हमने वैन तो चलानी पड़ी, लेकिन फिर भी हमने वैन अभी यहाँ से निकाली। पुलिस वालों को अभी तक कुछ खबर नहीं पड़ी है, तो वो एक अच्छी बात है कि पुलिस वालों के मालूम पड़े बिना हम लोगों ने यहाँ से उनकी वैन ले ली है। गाइस एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक वैन का होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो चलती है और टर्निंग में गाइस पूरा रोक टालना पड़ता है इसे। गाइस अभी हमें यहाँ से राइट कर टर्न लेने के बाद सीधा जाना है, और एक्स्ट्रा में लोकेशन सेंड किया, हमें वहाँ पर जाके वैन लगा के आनी है। ऑल राइट गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं लेस्टर की गारमेंट स्टोर पर, गारमेंट फैक्ट्री कह सकते गाइस आपको एक तरह से उसे। तुम लोगों को ये वैन वहाँ पर जाके पार्क कर देनी है, और उसके साथ हमें एक और वैन स्टील करने जानी है, और वो वैन गाइस आने वाली है हाईवे पर। सो हमें जल्दी से वैन यहाँ पर लगाने के बाद, लेस्टर का हमें बीच रास्ते में सुना था कि तुम ये वैन जल्दी से लगा लो और जल्दी से जाके वो हाईवे वाली वैन को भी, हाईवे सारी वैन को भी जल्दी से यहाँ पे लेके आओ। तो गाइस पहले ये वैन यहाँ पर लगा देते, और एक बार लेस्टर से बात भी कर लेंगे गाइस। तो एक बार लेस्टर को फ़ोन करके बता दूँ कि मैं बग स्टार्स वालों की वैन यहाँ पे लेके आया हूँ, और मैं अभी तुरंत ही जाने वाला हूँ हाईवे पर वो वैन, ह्यूमन वैन लेने के लिए। तो गाइस जल्दी से बात कर लेते लेस्टर से। ऑल राइट गाइस, मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, तो उसने कहा कि तुम अभी जहाँ पर भी हो वहाँ से जल्दी से जाओ। वो वैन सिटी के अंदर ऑलमोस्ट एंटर होने ही वाली है, उस सिटी के अंदर एंटर होने से पहले तुम उसे चोरी कर लो, सो दैट पुलिस वाले जो होंगे उन्हें कम मालूम पड़ेगा, उनको ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने वैन चोरी की या फिर वैसे आप एक पैरी सी बाइक खरीद। तो जल्दी से बाइक हट जा भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है मुझे।
प्रेस लिस्ट है, हमें लोकेशन उस वैन की लोकेशन सेंड करने वाला है मोबाइल पे हमारे, तो जल्दी से देखते हैं वो लोकेशन हमें आई है या फिर नहीं। ओके गाइस, सो लोकेशन हमें लोकेशन सेंड कर दी है और वो वैन यहाँ पे यहाँ से ये हाईवे पर से आ रही है गाइस, सिटी के बहुत ज़्यादा पास में आ चुकी है। जल्दी से हमें जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा और वो वैन वहाँ से सिटी के अंदर आने के पहले हमें वो वैन वहाँ से रुकनी पड़ेगी और वहाँ से वापस यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। तो जल्दी से जाते हैं और वैन लेके आते गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग वैन स्टील करने वाले हैं और उसके बाद गाइस अगली वीडियो में हम एक ज्वेलरी शॉप पर अटैक करने वाले गाइस। सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप होने वाला है, सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप है ऑलरेडी गाइस। तो यहाँ पे वैन आ चुकी है, मैं यहाँ पे खड़े रहता हूँ और जैसे ही वैन आएगी मैं अपनी बाइक सीधे आगे उस वैन के आगे लगा दूँगा और वहाँ से मैं उस वैन के ड्राइवर को निकाल के अपने मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। तो लेट गाइस सामने से वैन आ रही है गाइस, हमें ये ह्यूमन वैन यहाँ से लेके जानी है। तो ऑलरेडी गाइस इस यहाँ पे मैंने बाइक लगा दी अपने सामने और उस ड्राइवर को भी उसे रोक दिया उसने। तो जल्दी से वैन के अंदर जाते हैं और ये वैन लेके चलते हैं यहाँ से गाइस। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। वो किसी के साथ गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइस अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा इस आई बॉल बटन के अंदर इस वीडियो के, तो वहाँ से जाके आप वो वीडियोस को भी देख सकते हो। मैंने बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस डाले रखे गाइस मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है कि आपको वीडियोज़ भी अच्छी लगेगी, आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये वीडियो कैसा बनी है। गाइस जैसा कि लक्ष्य ने हमको बताया था कि तुम वो वैन सिटी के अंदर आने से पहले ही वहाँ से हाईवे पर से स्टील कर लो, चोरी कर लो, लेकिन गाइस हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा नाकामयाब रह गए और यहाँ पे हमारे पीछे पुलिस वाले लग चुके हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, पुलिस वाले पे हमें ऐसे हम निकालेंगे पुलिस वालों को भी, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताओ। और गाइस मैं ये माइकल सोच रहा था कि अपने लिए एक रेंज रोवर ली जाए क्योंकि अभी हमारे पास $10,00,000 भी आ चुके हैं, तो हम लोग एक रेंज रोवर ले सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताओ कि माइकल ने रेंज रोवर लेनी चाहिए या फिर नहीं। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वैन हम जाके लेस्टर की गारमेंट फैक्ट्री में खड़ी कर देंगे जहाँ पे हमने बख्शा वालों की वैन वहाँ से ली थी और वहाँ पे खड़ी कर दी थी। फिर जल्दी से वैन को ऐसे नीचे लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर प्रेस करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो हम करने वाले हैं रॉबरी लॉस सैंटोस के बिगेस्ट ज्वेलरी शॉप में।